हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जील फॉर मैथ हमने हमारे लास्ट वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 पॉइंट टू की क्वेश्चन सिक्स तक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है देखिए डिफ्रेंशिएट फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स जिसमें फंक्शन दिया गया है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ईरेस पर एक्स स्क्वायर तो फाइंड आउट करते हैं इसका डेरेवेटिव सोल्यूशन वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ई रेस पर एक्स स्क्वायर इज इकू सबसे पहले क्या करेंगे ये जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिख रहा है उसको सिंपल कर लेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे टिग्नोमेट्रिक फॉर्मो फार्मूला और वो फार्मूला है देखिए कॉट ऑफ कॉट थीटा सॉरी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा ये टिग्नोमेट्रिक फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करके फंक्शन को सिंपल कर लिया है तो हमारे पास फंक्शन क्या मिला है वाई इज इक्वल टू ई पर एक्स स्क्वायर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो हम हमको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ ई रेस पर एक्स स्क्वायर विवाइडेड बाई डी एक्स फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे देखिए कंपोजिट फंक्शन है तो डेरीवेटिव ऑफ e, e का जो पावर में रहेगा एक्स स्क्वायर एज इट इज ले लेंगे ये जो फंक्शन है एज इट इज लेंगे लेकिन यहाँ पर e के पावर में क्या है फंक्शन है तो फिर से इसका डेरीवेटिव लेंगे डेरेवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रे ई रेस पर पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा डेरेवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स तो डीवाई अपॉन डी एक्स क्या गया इट इज टू एक्स ई रेस पर एक्स स्क्वायर सिंपल फंक्शन था और यहाँ दिखने के लिए कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है तो ये आप इसमें वाई को जो दिया हुआ फंक्शन है उसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और विद इन टू एंड थ्री स्टेप आपका आंसर आ जाएगा चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स वन अपॉन कॉस फायर रेस पर एक्स हम फंक्शन को वाई से डिनोट करेंगे अब यहाँ पर फिर से कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिट फंक्शन इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है आपको इसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और वो किस तरह से देखिए कोसेक इनवर्स वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है और ये एंगल में फायर रेस पर एक्स एज इट इज आएगा कोसेक इन्वर्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस वन ऑफ़ कोस एक्स और या थीटा लिख दीजिए सेक थीटा होता है यहाँ पर हमने ये फर, टिकनोमेट्रिक फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया है अब यहाँ पर देखिए कोसेक इन्वर्स एक्स अब यहाँ इसको सेक कोसेक को में कन्वर्ट करेंगे कोसेक पाई बाय टू माइनस फाइव एस पर एक्स अब यहाँ पर कौन सा टिक्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ किया हमने देखिए ये फार्मूला सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक नाइन्टी माइनस छीटा नाइन्टी इज़ इक्वल टू पाई बाई टू तो हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पर रखा है इंस्टेड ऑफ़ पाई बाई आप यहाँ पर नाइन्टी भी ले सकते हैं या पाई बाई टू भी ले लीजिए डजेंट मैटर तो यहाँ पर देखिए वाई इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स इन टू कोसेक्स कोसैक आया तो ये कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा और एंगल में जो वैल्यू बचती है वाई वो उस वो वाई के इक्वल हो जाएगी दैट मीन्स वाई इज़ इक्वल टू पाई बाई टू माइनस फायर एस पर एक्स सिंपल हो गया फंक्शन तो इसका डेरीवेटिव निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ़ पाई बाय टू माइनस पाई रेस पर एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा जीरो माइनस डेरीवेटिव ऑफ फाइव रेस्पर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू अब यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव आता है माइनस फाइ एस पर एक्स ये माइनस एज इट इज यहाँ पर ले लेंगे फाइव पर डेरिवेटिव निकालेंगे इसका लॉग फाइव यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज किया एक्स लॉग ए ये वाला यहाँ पर uh, का फार्मूला आपने यूज किया और आपको आंसर मिला है डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एस पर एक्स लॉग फाइव देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है कॉस इनवर्स ऑफ़ रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू तो हम इस फंक्शन को सिंपल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो कॉस इन्वर्स है इसको हटाने की कोशिश करेंगे यहाँ हाँ एंगल में हम टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज यूज़ करके एंगल में कॉस या फिर साइन की वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे किस तरह से देखिए कॉस इनवर्स वन कॉस इनवर्स रूट ऑफ अब यहाँ पर फॉर्मूला देखिए ये कौन सा यूज़ करेंगे हम हमें पता है कॉस एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन होता है तो अगर ये माइनस वन को हम इधर लेकर जाएंगे तो इक्वेशंस को रीअरेंज करके क्या कर सकते हैं कॉस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू कॉस एक्स इस तरह प्लस वन या फिर वन प्लस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं अब ये वाली जो टू मल्टीप्लीकेशन में है एल एच एस में उसको आर एच एस में लाएंगे तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू वन प्लस कॉस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टू तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू किसकी जगह पर रखेंगे वन प्लस कॉस एक्स डिवाइडड बाई टू ये जो रूट में वैल्यू है उसकी जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू यहाँ पर आ जाएगा और रीजन आपने क्या देना है दिस तो हमारी वाई की वैल्यू क्या आई है वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू तो यहाँ रूट की वैल्यू में स्क्वायर uh, क्वांटिटी है तो वो रूट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर के साथ तो ये देखिए क्या आएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाय टू आ जाएगा और ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू बचेगी वो सिर्फ एक्स बाय टू रहेगी अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट लेकर लेंगे सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिलेगा डेरेवेटिव ऑफ एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई डी एक्स तो ये आ जाता है वन अपॉन टू डेरेवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स और जो वाली आएगी वो ये रहेगी क्योंकि डी वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स वन होता है तो सिंपल है डीवाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू वाई से डिनोट कर लिया है ये फंक्शन को सिम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे बाई यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज ये इस तरह से आ जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट अब यह जो अंडर रूट वैली है उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला क्या है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर ये है एंगल में एक्स स्क्वायर है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है मैं वीडियो के एंड में आपको सारे फार्मूले बता दूंगी आपने वो नोट डाउन कर लेना है तो इस तरह से देखिए अब हम क्या करेंगे ये जो वैल्यू है आर एच एस में उसको यहाँ पर लेके जाएंगे एल एच एस वैल्यू यहाँ पर लेके आएंगे तो वो क्या बच जाएगा देखिए टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ये इस तरह से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड टू यहाँ पर जो आर एच एस में वैल्यू है वही वैल्यू रूट के अंदर है तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन सब्सटीट्यूट दिस वन में तो यहाँ पर हमने रख दिया है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और रीज़न क्या लिखना है आपने सिंस दिस इट इज साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस और ये आप या फिर ये इतना भी लिख सकते हैं चलिए फिर इसको सिम्पलीफाई करेंगे वाई इज इक्वल टू अब ये जो रूट के अंदर वैल्यू है स्क्वायर वैल्यू है तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू बचेगी वो रहेगी साइन एक्स स्क्वायर साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करना होगा कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पर एंगल में चेंज आएगा यहाँ हाफ रहेगा एंगल यहाँ पर हाफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इस तरह से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यहाँ पर हाफ़ आएगा करेक्शन कर लेना है अपने तो ये वाई इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू तो ये इस तरह से आता है सिम्पलीफाई करेंगे कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू वाई की वैल्यू रहेगी इट इज़ इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है इस वैली को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से तो ये आएगा वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरेविटिव ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो एंड डेरेविटि ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू क्या आ जाएगा देख लेते हैं डेरेविटी ऑफ फाइव बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ फाइव बाई टू डिडेड बाई डी एक्स माइनस ऑफ़ एक्स स्क्वायर बाई टू बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरेविटिव ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो माइनस वन अपॉन टू एज इट इज कॉन्स्टेंट आ जाएगा डेरेवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स ये टू कैंसिल ये हो जाएगा और जो बचेगा यानी डेरेवेटिव ऑफ वाई विध रेस्पेक्ट टू क्या है माइनस एक्स है एंड इट इज दिक्वायर्ड आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है टेन इन एंगल में वन माइनस टेन एक्स अपॉन टू डिडेड बाई वन प्लस टेन एक्स अपॉन टू वाइज वाई से डिनोट कर लेंगे वाईज इक्वल टू टेन इनवर्स यहाँ पर हमें टेन इन टेन या कॉट लाने की कोशिश करनी है तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले अप्लाई करेंगे हमें पता है टेन पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है वन होती है तो यहाँ पर वन और यहाँ पर भी हम सपोज करेंगे ये वन इन टू टेन एक्स टू है तो जहाँ जहाँ वन है इसको छोड़कर ये वन को छोड़कर यहाँ पर और ये टर्म में हम वन की जगह पर टेन पाई बाई टू रखेंगे कुछ इस तरह से टेन पाई बाई फोर सॉरी टेन पाई बाई फोर रखेंगे टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन पाई बाई फोर इन टू टेन एक्स बाय टू इस तरह से अब यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला टेन हमें पता है टेन ए यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगी ए माइनस बी ए माइनस बी इज़ इक्वल टू क्या होता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी ये वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है इस तरह से वाई इज इक्वल टू देखिए इस चूँकि ये रेशो टेन ए प्लस ए ए माइनस बी के इक्वल है तो यहाँ पर ए पाई बाई फोर है और बी एक्स बाय टू है तो हम क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाय टू इस तरह से अब ये टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा वैल्यू आएगी वाई की पाई बाई फोर माइनस एक्स अपॉन टू डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ़ फाइव बाई फोर ज़ीरो आ जाएगा डेरीवेटि ऑफ एक्स बाई टू माइनस वन अपॉइंट टू आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू क्वेश्चन नंबर फोर है नो सॉरी सिक्स है कोसेक इनवर्स वन अपॉइन्ट फोर कॉस क्यूब टू एक्स माइनस थ्री कॉस टू एक्स एंगल यहाँ पर टू एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज यूज करके इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे वाई इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन अपॉन अब हमें फार्मूला पता है देखिए कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू फोर कॉस थ्री थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा होता है ठीक है कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा होता है तो यहाँ पर थीटा एंगल में थ्री थीटा है और यहाँ पर एंगल में थ्री है सॉरी थीटा है सिर्फ तो हम यहाँ देखिए कॉस एक्स, एक्स एक फोर कॉस क्यूब यहाँ पर भी फोर कॉस क्यूब है लेकिन यहाँ एंगल में टू एक्स है यहाँ थीटा है तो हम क्या करेंगे इंस्टेड ऑफ थीटा टू एक्स रख कर देखेंगे इज इक्वल टू फोर कॉस थ्री टू एक्स माइनस थ्री कॉस टू एक्स तो ये थ्री टू से मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा सिक्स हो जाएगा कॉस सिक्स एक्स इज इक्वल टू फोर कॉस क्यूब टू एक्स माइनस थ्री कॉस टू एक्स हो जाएगा तो अब ये देखिए ये जो आर एच एस वाले टर्म्स हैं ये सेम जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पर वैसे ही है तो इंस्टेड ऑफ़ दिस वी कैन राइट कॉस सिक्स एक्स तो यहाँ पर आप कॉस सिक्स एक्स लिखेंगे और रीज़न यहाँ पर आपके लिए है सिंस कॉस सिक्स एक्स इज इक्वल टू दिस या फिर आप ये फार्मूला भी लिख सकते हैं चलिए देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसी इस तरह से वाई इज़ इक्वल टू को सेक कोस को किस तरह से लिख सकते हैं सेक्स सिक्स एक्स लिखेंगे सिंस वन अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स सेक को कोसेक में कन्वर्ट करेंगे कोसेक पाई बाय टू माइनस सिक्स सिक्स एक्स इज इक्वल टू अब यहाँ पर कोसेक इनवर्स कोसेक है तो कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल हो जाएगा वाई की वैल्यू वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस सिक्स एक्स आएगी डेरी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ पाई बाय टू माइनस सिक्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ये जीरो आता है और माइनस सिक्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस सिक्स आ जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी डीवाई अपॉन डी एक्स की इट इज़ डी वाई अपॉन देरफोर डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए टेन इनवर्स वन प्लस कॉस एक्स अपॉन्ट थ्री डिवाइडेड बाय साइन एक्स अपॉन थ्री सिंप्लीफाई करेंगे इसे वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस कॉस एक्स अपॉन थ्री यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे हमें पता है वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू यहाँ थीटा की जगह एक्स अपॉन्ट थ्री है तो वन प्लस कॉस एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह एक्स अपॉन थ्री रखना है डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन सिक्स और ये किसके इक्वल है कॉस वन प्लस कॉस एक्स अपॉन थ्री के इसी तरह हमें ये भी पता है साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन यहाँ पर एक्स अपॉन थ्री है एंगल में तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे टू एक्स अपॉन थ्री सिक्स रखेंगे एक्सॉपॉन सिक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाता है साइन एक्सअपॉन् थ्री आ जाएगा ठीक है एक्सापॉन थीटा की जगह एक्सापॉन सिक्स रखेंगे तो और ये क्या हो जाएगा टू साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या रखी थी यहाँ पर एक्सापॉन् सिक्स रखी तो ये क्या होगा टू साइन एक्स अपॉन सिक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन सिक्स अब ये जो वैल्यू हमें यहाँ फाइन हुई हैं यहाँ पर रख देनी है वन प्लस कॉस एक्सापॉन् थ्री की जगह हमें टू कॉस स्क्वायर एक्सपॉन्ट सिक्स रखेंगे और साइन एक्सअपॉन uh, थ्री की जगह हम टू साइन एक्सअपॉन सिक्स इंटू कॉस एक्सअपॉन सिक्स रख देंगे तो यहाँ पर कर देंगे करने के लिए ये रख सब्सिट्यूशन करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूले फार्मूले डिवाइडेड बाय टू साइन एक्सअपॉन सिक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन सिक्स रीजन आपने यहाँ पर दे देना है सिंस दिस ये दो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज़ करके यहाँ सब्सिट्यूशन किया है तेरफ और वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिस टू एंड टू कैंसल यहाँ का कॉस स्क्वायर एक्सपॉइंट सिक्स है यहाँ एक कॉस एक्सा पॉइंट सिक्स है स्क्वायर है यहाँ पर दो कॉस है यहाँ पर एक है तो एक कैंसल हो जाएगा न्यूमरेटर का और न्यूमरेटर में एक कॉस एक्सापॉइंट सिक्स बचेगा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में साइन एक सौ सिक्स बचता है वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स इसको किस तरह से लिखते हैं कॉट एक्स अपॉइन्ट सिक्स इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे टेन में कॉट को और वो इस तरह से होगा टेन पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन सिक्स अब यहाँ पर टेन इनवर्स और यहाँ पर टेन है तो कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी इट इज़ पाई बाई टू माइनस पाए माइनस एक्स अपॉन सिक्स आ जाएगी अब क्या करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा डिफरेंशिएट कर लेंगे इसे विथ रिस्पेक्ट टू x देरफोर डेरेवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डेरेवेटिव ऑफ पाई अपॉन टू माइनस एक्स अपॉन सिक्स

हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे y इज़ इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन अभी हमने फार्मूला यूज़ किया था देखिए साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन ठीटा कॉस ठीटा वाला फार्मूला वही फार्मूला हम फिर से यहाँ पर यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ हियर टू थीटा यहाँ पर हमें क्या चाहिए थ्री एक्स चाहिए एंगल एंगल में थ्री एक्स चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा टू थ्री एक्स डिवाइडेड बाय To, ये लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू इज ये क्या मिलेगा हमें साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे टू साइन थ्री एक्स बाय टू इन टू कॉस थ्री एक्स बाय टू ठीक है अब यहां पर हमने साइन थ्री एक्स की वैल्यू हमें ये मिल गई है अब डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वन प्लस कॉस थ्री एक्स ये होता है इक्वल टू कॉस स्क्वायर यहाँ पर थ्री है तो इसका क्या हो गया थ्री एक्स बाय टू एंगल हाफ हो जाता है तो ये ये दोनों फार्मूले हम सिंस दिस यहाँ पर ये यूज सब्सिट्यूट करेंगे इंस्टेड ऑफ साइन थ्री एक्स वी सब्सटीट्यूट टू साइन थ्री एक्स बाय टू इंटू कॉस थ्री एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय ऑफ वन प्लस कॉस थ्री एक्स की जगह हम क्या रखेंगे टू कॉस स्क्वास डिवाइडेड बाय टू टू कॉस स्क्वायर थ्री एक्स डिवाइडेड बाय टू सिंप्लीफाई करेंगे फिर से वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स यहाँ पर टू टू कैंसिल हो जाएगा कॉस वन कॉस जो डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो जाएगा विद न्यूमरेटर के साथ तो न्यूमरेटर में साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स यहाँ पर टेन आ जाएगा एंगल थ्री बाई थ्री एक्स बाय टू आ जाएगा अब हमें टेन को कॉट में कन्वर्ट करना है कॉट पाई बाय टू माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई टू हम लिख सकते हैं फिर से इसे ये हमारे पास y आ गया तो हम करेंगे सॉरी यहाँ पर यह, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई टू डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x से तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या जाएगा? Derivative of constant आ जाएगा डेरीवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो आ जाएगा डेरीवेटिव ऑफ माइनस थ्री बाई टू एक्स एक्स का डेरेवेटिव वन आता है तो ये आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू के इक्वल ये क्वेश्चन नंबर देखिए एट था तो ये आंसर आ गया है सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट है टेन इनवर्स कॉस सेवन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन सेवन एक्स अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर सेवन और एट किया है सेम उसी तरह का है सॉल्व करते हैं वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस सेवन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन सेवन एक्स वाई देर फॉर वाई इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस की जगह पर हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल एंगल का हम फार्मूला यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक और वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाय वन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर सेवन एक्स डिवाइडेड बाय सेवन एक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस साइन को किस तरह से लिख सकते हैं साइन टू साइन सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू यहाँ पर हमने ये फार्मूला यूज़ किए हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू और हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ये वाला फार्मूला यूज़ किया है नेक्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू ये तीनों फॉर्मूले हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स न्यूमरेटर में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको किस तरह से लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ये कॉस सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू साइन सेवन एक्स डिवाइडेड बाय टू इं कॉस सेवन एक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस कॉस सॉरी प्लस साइन साइन सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू इस तरह से न्यूमरेटर में हम लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ये कॉस सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस साइन सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू इसका होल स्क्वायर है यहाँ पर ये एक स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर है और यहाँ पर एक ब्रैकेट है ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी एक डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर में भी कैंसिल हो जाएगा ये वैल्यू तो हमें जो निमरेटर में टर्म्स बची बचती हैं वो सिर्फ़ इस ब्रैकेट की बचती हैं वो लिख देंगे कॉस सेवन एक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस साइन सेवन एक्स डिवाइडेड बाय टू होल डिवाइडेड बाय कॉस सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस सॉरी प्लस साइन सेवन एक्स डिवाइडेड बाय टू ये बचेंगे इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स अब यहाँ पर दोनों टर्म्स से हम क्या करेंगे टेन सेवन एक्स को निकाल लेंगे यहाँ न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी तो कॉस सेवन एक्स को अगर आप कॉमन निकालेंगे तो पहली टर्म जो न्यूमरेटर में आएगी वो वन हो जाएगी और यहाँ पर जो टर्म रहेगी साइन सेवन एक्स डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन सेवन एक्स डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस सेवन एक्स डिवाइडेड बाय टू इस तरह से बचेगी इस तरह से हम लिखेंगे और यहाँ पर जो कॉस सेवन एक्स डिडेड बाई टू और यहाँ पर जो कॉस सेवन एक्स डिडेड बाई टू निकलता है वो कैंसिल हो जाएगा इट इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स इन टू वन माइनस अब ये साइन सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू कॉस सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू का रेशो है तो ये हो जाएगा टेन सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू तो ये देखिए y की वैल्यू क्या आ गई है टेन इनवर्स वन माइनस सेवन एक्स अपॉन टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन सेवन एक्स अपॉन टू तो वन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन आती है तो हम वन की जगह पर इस टर्म में वन की जगह पर ट पहले ये लिख देते हैं वाई इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स लिख लेंगे और इस टर्म में टेन की जगह वन की जगह पर हम टेन पाई बाय फोर लेंगे माइनस टेन सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाय वन प्लस अब यहाँ पर टेन सेवन एक्स डिवाइड बाई टू है तो यहाँ पर वन भी होगा मल्टीप्लीकेशन में उस वन को हम यहाँ पर टेन पाई बाय फोर से रिप्लेस करेंगे और ये जो टर्म आएगी इस तरह से आएगी सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स और ये जो फार्मूला आ जाएगा ये रहेगा टेन ए माइनस बी का रहेगा तो ये टेन यहाँ पर ए पाई बाय फोर है तो ये पाई बाय फोर लिखेंगे माइनस बी सेवन अपॉन सेवन एक्स अपॉन टू है और यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ किया? किया है one minus, one हमने टिक्नोमेट्रिक टेन ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ किया है विच इज़ इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करके सिंप्लीफाई किया है फिर वाई अब इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स टेन है कैंसिल हो जाएगा एंगल में जो वैल्यू बचेगी वो बाकी रहेगी और ये वाई की वैल्यू रहेगी अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर लेते हैं डिफरेंशियट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या आएगा डीवाई अपॉन डी एक्स ऑफ फाइव बाई फोर माइनस सेवन एक्स डिड बाई टी एक्स इज इक्वल टू ऑफ फाइव बाई फोर जीरो माइनस सेवन बाई टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ये आ जाता है माइनस सेवन अपॉन टू तो क्या आ गया आंसर डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज सेवन 2। टू इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर टेन है जिसमें फंक्शन दिया है टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस एक्स वाई को हम फंक्शन फंक्शन को वाई से डिनोट कर देंगे टेन इनवर्स यहाँ पर हम फॉर्मुला यूज़ करेंगे टिक्नोमेट्रिक टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू आता है और वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू ये आता है यहाँ पर थीटा की जगह पर एक्स है तो हम ये फार्मूले यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डिनोमिनेट न्यूमिनेटर में आएगा टू कॉस स्क्वायर इंस्टेड ऑफ थीटा वी राइट हीयर एक्स एक्स अपॉन टू आ जाएगा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा वन मा वन यहाँ कास वन माइनस कॉस की जगह टू साइन स्क्वायर ठीठा बाय टू रखते हैं तो यहाँ पर एक्स है तो ये ठीटा के ठीटा को रिप्लेस कर देंगे एक्स से तो यहाँ आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन्ट टू तो वाई की वैल्यू आती है टेन इनवर्स टू टू गेट कैंसल और ये जो बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉइंट टू डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन्ट टू ये कॉट का रेशियो आएगा कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन्ट टू आ जाएगा स्क्वायर वैल्यू रूट के अंदर है तो रूट कैंसिल हो जाता है टेन इनवर्स कॉट एक्स अपॉइन्ट टू आ जाएगा एंड इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट को टेन में कन्वर्ट करेंगे टेन और एंगल चेंज हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स एक्स अपॉन्ट टू में तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा वाई आ जाएगा वाई इज़ इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशियट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरेवेटिव ऑफ़ पाई बाई टू जीरो आता है डेरेवेटिव ऑफ एक्स अपॉन्ट माइनस वन एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू आता है और यही हमारा रिक्वायर्ड डेरीवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू अब यहाँ पर देखिए ये एक फार्मूला है रूट वन प्लस कॉस एक्स आप ये डायरेक्ट भी रख सकते हैं इज इक्वल टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो अगर आपको ये रेशो आता है रूट वन प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस एक्स तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ नथिंग बट कॉट एक्स अपॉन टू ये वैल्यू आती है ये फार्मूला है Uh, मैं वीडियो के लास्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले शेयर कर दूंगी आप वहाँ से स्क्रीन ले लेना है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर एलेवन है फंक्शन टेन इनवर्स कोटेक्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन इनवर्स कोसेक एक्स, एक्स। कोसेक को किस तरह से लिख सकते हैं वन, वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉट को कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं हम वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इज इक्वल टू टेन अभी वन प्लस कॉस एक्स की जगह पर हम क्या रखते अभी मैंने फॉर्मूला बताया था इट इज़ टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू आता है और इसकी वैल्यू क्या रखेंगे टू साइन एक्स बाय टू कॉस इंटू कॉस एक्स बाय टू ये आता है और यहाँ हमने फार्मूले कौन से यूज़ किए हैं वन प्लस कॉस ठीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू और यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाई टू ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यहाँ पर हमने अप्लाई किए हैं तो वाई क्या आ जाएगा वाई इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स टू टू केट कैंसल यहाँ न्यूमरेटर से एक कॉस और डिनोमिनेटर का कॉस कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या कॉस एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय टू बचेगा इज इक्वल टू ये आएगा टेन इनवर्स रेशो जो है वो कॉट का रेशो है तो ये आ जाएगा कॉट एक्स बाय टू इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट को टेन में चेंज करेंगे टेन पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन टू सिंप्लीफाई करने पर टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा फिर से टिक बाय यूजिंग द टिग्नोमेट्रिक फार्मूला तो ये जो आ जाएगा वैल्यू वाई की वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन टू अब हम क्या करेंगे इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डिफरेंशियट वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरेवेटिव ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन टू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरेवेटिव ऑफ पाई बाई टू डिड बाई एक्स माइनस डेरीवेटिव ऑफ यहाँ वन बाई टू में पहले ही निकाल रही हूँ बाहर डेरेवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज वन और फिर ये हमारे पास जो सिंप्लीफाई करने डेरेवेटिव फाइंड करने पर डेरेवेटिव टू आ रहा है और ये है रिक्वायर्ड डेरेविटिव ऑफ द फंक्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का लास्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स हमने पहले ही फंक्शन को डिनोट कर दिया है कॉट इनवर्स ये जो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है रूट वैल्यू प्लस फिर उसका एडिशन है इसे सिंप्लीफाई करते हैं चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के थ्रू इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर कर लूँगी सिंप्लीफाई और यहाँ पर उसको सब्सिट्यूट कर दूँगी फॉर्मूले को देखिए वन प्लस साइन थीटा अगर लें वन प्लस साइन थीटा अगर लें तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन थीटा को किस तरह से लिखेंगे सॉरी थीटा बाय टू लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू क्या होता है वन और यहाँ साइन थीटा को किस तरह से लिखेंगे टू साइन ठीटा बाय टू कॉस ठीटा बाय टू इज इक्वल टू ये वैल्यू क्या होती है फिर साइन थीटा बाय टू देखिए पहले टर्म का स्क्वायर ला सेकेंड टर्म का स्क्वायर और जो बीच में आ रहा है वो टू इंटू ए यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इस तरह का आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन है ये यह. तो यहाँ पर ए क्या था साइन स्क्वायर ठीटा बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर ठीटा साइन ठीटा बाय टू प्लस कॉस ठीटा बाई टू होल स्क्वायर का ये एक्सपांशन था तो वन प्लस साइन ठीटा क्या आया है साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस ठीटा बाई टू होल स्क्वायर अगर इंस्टेड ऑफ वन थीटा यहाँ पर फोर एक्स यहाँ एंगल क्या है फोर एक्स डिवाइड बाय थ्री वो रख कर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें साइन वन प्लस साइन फोर एक्स बाय थ्री तो हमें क्या करना है थीटा को रिप्लेस करके फोर एक्स बाय थ्री रखना है तो देखिए क्या आएगा साइन फोर एक्स बाय थ्री प्लस कॉस टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये सिक्स हो जाएगा थीटा को रिप्लेस करेंगे फोर एक्स बाय थ्री से फोर एक्स बाय थ्री और ये टू से मल्टीप्लाई होगा थ्री तो यहाँ पर सिक्स हो जाएगा ये आ जाएगा होल स्क्वायर इसी तरह वन माइनस साइन थीटा देख लेते हैं वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीठा बाई टू वन की जगह पर हम ये रख सकते हैं माइनस साइन थीटा को किस तरह से लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो ये एक्सपांशन होगा ब्रैकेट का ए माइनस बी होल स्क्वायर का जहाँ पर ए साइन थीटा बाय टू है और बी कॉस थीटा बाय टू है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हो जाएगा साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाय टू होल स्क्वायर या फिर आप इसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू इस तरह से भी लिख सकते हैं तो ये आया है साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा लेकिन थीटा नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए एंगल में फोर एक्स बाय थ्री चाहिए तो वन माइनस साइन फोर एक्स बाय थ्री थीटा की जगह पर रखेंगे तो ये जाएगा, cos 4x 3 जाएगा, आ जाएगा कॉस फोर एक्स थ्री से टू मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर सिक्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में सेम साइन फोर एक्स बाय सिक्स आ जाएगा और ये होल स्क्वायर तो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ पर देखिए इस तरह से ये और ये हम इस कॉट uh, इनवर्स के एंगल में हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए रूट की जगह पर हमें वैल्यू रखनी है कौन से वन ये आएगा साइन फोर एक्स अपॉन थ्री सॉरी oh, सिक्स है वहाँ पर सिक्स प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन सिक्स ये इसका होल स्क्वायर और ये एंगल ये रूट में है प्लस अंडर रूट माइनस है वन माइनस साइन साइन थीटा यहाँ पर ये वैल्यू हमें सब्सिट्यूट ये फार्मूला हमें यहाँ पर रखना है इंस्टेड ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर फोर अपॉन थ्री क्या सब्सिट्यूट करेंगे कॉस फोर एक्स अपॉन सिक्स माइनस साइन फोर एक्स अपॉन सिक्स और इसका होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे देखिए यहाँ पर साइन फोर एक्स अपॉन सिक्स प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन सिक्स होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट कॉस फोर एक्स अपॉन सिक्स माइनस साइन फोर एक्स अपॉन सिक्स इसका स्क्वायर है स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा वाई कॉस कॉट इनवर्स साइन फोर एक्स अपॉन सिक्स प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन सिक्स प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन सिक्स माइनस साइन फोर एक्स अपॉन सिक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन फोर एक्स अपॉन सिक्स प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन सिक्स अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन सिक्स प्लस साइन फोर एक्स अपॉन सिक्स क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर और ये रूट कैंसल हो गया है तो जो ब्रैकेट होता है उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जो आया है डिनोमिनेटर और डोमिनेटर इस तरह से y क्या आएगा फिर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स देखिए यहाँ पर ये यह जो वैल्यू है यहाँ पर साइन की ये वाली और ये वाली कैंसिल हो जाएगी और डिनोमिनेटर में कॉस वाली जो है कैंसिल हो जाएगी न्यूमरेटर में बचेगा टू कॉस फोर एक्स डिवाइडेड बाय सिक्स यहाँ कॉस फोर एक्स वाली टर्म है फोर एक्स अपॉन सिक्स वाली टर्म है यहाँ पर भी एडिशन में वही है साइन डिनोमिनेटर में भी ये वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म बच गई है और सेम टर्म्स हैं तो ये टू साइन फोर एक्स अपॉन सिक्स आएगा टू टू गेट कैंसल वाई क्या आ जाएगा कॉट और रेशो कौन सा है कॉस बाय साइन है तो ये भी क्या हो जाएगा कॉट फोर एक्स अपॉन सिक्स होता है और ये कॉट इनवर्स वर्स कॉट कैंसल हो जाएगा और वाई की वैल्यू आ जाएगी फोर एक्स अपॉन सिक्स डिफ्रेंशियट कर लेते हैं सिंस वाई इज इक्वल टू तिरफा वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास फोर एक्स अपॉन सिक्स डिफ्रेंशियट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो so, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा देरफोर डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फोर एक्स अपॉन सिक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फोर एक्स अपॉन सिक्स इस रेशो को बाहर लेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन होता है और जो हमारा आंसर आएगा वो फोर एक्स फोर अपॉन सिक्स ये कैंसिल होता है टू से तो आंसर क्या है टू अपॉन थ्री तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आया है टू अपॉन थ्री आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं डिफ़िकल्टी है कमेंट करके कर, कर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू फॉर वॉचिंग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू वेरी मच